Let us solve question number 71, which says the set S is equal to 1, 2, 3 up to 12 is to be partitioned into three sets ABC of equal size. तो यूनियन अगर मिला दे तो S बन जाता है, मींस तीनों को इस तरह करना है कि यूनियन S आ जाए एंड इक्वल साइज में डिवाइड करना है. और ये है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, दे आर एम्प्टी सेट्स, इंटरसेक्शन आर एम्प्टी सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स हैं. तो तीन ऐसे आप कह सकते हैं कि जैसे 12 चीज़ें हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टिल 12, तो इनको आपको तीन इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं. मतलब आप ये मान सकते हैं कि 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, 4. तो 4 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे, 4 यहाँ पे आ जाएंगे और 4 यहाँ पे आ जाएंगे. मतलब 12 चीज़ों में से 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे. तो हमारे पास एक्चुअली 12 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर्स यहाँ पे, 4 नंबर्स ए में, 4 नंबर्स बी में, 4 नंबर्स सी में, करेक्ट. तो ये पार्टीशनिंग करनी है. तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो हमें यही पूछा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशनिंग एस कितना है. तो फॉर्मूला कहता है कि इफ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं एम इंटू एन, दीज मैनी ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमें इनके फर्दर ग्रुप्स बनाने हैं, से वी वॉन्ट टू फॉर्म एन ग्रुप्स, एम ग्रुप्स इक्वल साइज के, और हर ग्रुप में ऑब्वियसली कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, एन एलिमेंट्स ईच. तो ये आ जाता है हमारे पास एक फॉर्मूला है जो स्ट्रेट अवे में याद रख लेना है, एम एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल की पावर एम. ये समझना बहुत ही आसान है. अब जैसे मान के चलिए ये हमारे पास 12 ऑब्जेक्ट है, करेक्ट. तो 12 ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम माने कि इनको 12 सीट्स में रखना है, तो ये पहली सीट है, ये दूसरी सीट है. इस फॉर्मूले को समझाने के लिए मैं एम एन ले रहा हूँ 12, ये ध्यान में रखें, यहाँ पे एम एन मैं ले रहा हूँ 12 इस फॉर्मूले को समझने के लिए. और एम हमारे पास ग्रुप कितने बने, 3 ए बी सी, और एन हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो बने 4, जो हर ग्रुप में आने हैं, करेक्ट, एन एलिमेंट्स ईच. तो ऐसे मान लेते हैं कि 12 सीटें हैं हमारे पास, जैसे किसी थिएटर हॉल में सीट्स होती हैं, सी दीज आर 12 सीट्स, करेक्ट, 12 सीट्स, ये सारी की सारी 12 हैं. तो अब इन 12 सीट्स में ऐसे करना है कि मान लीजिए आपने बिना किसी डिवीजन के बंदे बिठा दिए, तो कितने हो जाएंगे, 12 फैक्टोरियल वेज में. अब मुझे पार्टीशनिंग देनी है, ठीक है ना, मतलब इन 12 को ऐसे डिवाइड करना है कि 4 पहले आ गए तो वैसे बैठे हैं, मान लीजिए 4, फिर एक पार्टीशनिंग दे दी, फिर 4, फिर पार्टीशनिंग दे दी, फिर 4, तो ये तीन ग्रुप हो गए हमारे पास. अब 12 फैक्टोरियल में तो मैंने किसी को भी कहीं पे बिठा दिया. अब ये देखना है कि एक ग्रुप के अंदर हमारे लिए ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, ये ध्यान में रखना था. वो तो मैंने सीटों का एग्जांपल इसलिए लिया है कि समझ में आ जाए, बट टेक्निकली आप ये कह लीजिए जैसे एक ग्रुप बनाना है आपने 4 लोगों का, तो 4 लोगों के ग्रुप में ये मैटर नहीं करता वो 4 लोग कैसे खड़े हैं. तो ऑब्वियस है ये 12 फैक्टोरियल में इन 4 फैक्टोरियल की जो अरेंजमेंट थी वो मीनिंगलेस हो गई. सिमिलरली इन 4 बंदों की जो अरेंजमेंट थी वो मीनिंगलेस होगी, और इन 4 बंदों की जो अरेंजमेंट थी वो भी मीनिंगलेस हो गई. तो कहने का मीनिंग 12 फैक्टोरियल सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, 4 फैक्टोरियल क्यूब के साथ. यहाँ पे n फैक्टोरियल की पावर m हो गया. ये मैं फिर से समझा देता हूँ कि जैसे 12 ऑब्जेक्ट्स हैं उनके 4-4 के हिस्से बनाए, तो पहले तो हम ये सोच लेते हैं कि 12 को एक लाइन में खड़ा करना है, तो वो कितना आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल. अब लेकिन हमें ये पता है कि जो 4 बंदे हैं ये हमने सेलेक्ट करने हैं ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के अंदर हमें अरेंजमेंट को काउंट नहीं करना था. जैसे अगर किसी बच्चे को 4 टॉफीज देनी है तो ये मैटर नहीं करता किस किस ऑर्डर में दिए हैं आपने, बस आप उसे हैंडल आउट कर देंगे 4 टॉफीज. तो फिर से वही कह रहा हूँ कि इन 12 बंदों में जो 4 बंदों का जो ग्रुप बना है इसमें 4 की अरेंजमेंट मायने नहीं रखती, तो ये 4 फैक्टोरियल हो गया. सिमिलरली इसके लिए भी 4 फैक्टोरियल हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गया, तो ये मीनिंगलेस हो गए. तो इसलिए इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि 12 फैक्टोरियल में ये मल्टीप्लाई हो रखे हैं जो इनकी अरेंजमेंट्स हैं. अब ये भी देखिए, हमने ग्रुप में देखा तो एक ग्रुप तो इक्वल साइज का ही है. तो जैसे मान लीजिए 4-4 ऑब्जेक्ट्स की थैलियाँ बनानी है, तो अब ये तो ना मैटर करता कि थैली पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है. आपने तो 4 थैलियाँ बना दी, तो इसका मतलब इनकी अरेंजमेंट भी, ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया, तो इनकी अरेंजमेंट भी हो सकता है यहाँ पे मैटर ना करे. तो ये कितना हो जाएगा, बाय 3 फैक्टोरियल. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमारे पास ए बी सी तीन सेट्स दे रखे हैं, ये ग्रुप नहीं है. जब ग्रुप दिए होते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये मान के चलते हैं इस फॉर्मूले में. मतलब आपने 4 ग्रुप्स बनाने हैं,
जैसे यहाँ पे बनाए थे तीन ग्रुप बनाए थे, सॉरी चार ग्रुप के लिए तीन ग्रुप बनाने हैं, तो तीन ग्रुप तो कोई भी हो सकते थे, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती कि पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया। लेकिन यहाँ पे सेट्स दे रखे हैं ए बी सी, तो जब सेट्स होते हैं तो हो सकता है कि ये अगर सेट ए ले रहे हैं आप और ये बी ले रहे हैं, तो हो सकता है आपने इसे बी लिया हो या इसे ए लिया हो, तो फर्क पड़ सकता है हमारे पास। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये थ्री फैक्टोरियल डिवाइड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मैं नेट में आंसर लिख देता हूँ, तो यहाँ से मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ कि ऑल्सो दिस कैन बी इक्वल टू और एम एन फैक्टोरियल, वही एम एन ऑब्जेक्ट्स को आप एम ग्रुप्स में डिवाइड करो एन इक्वल ऑब्जेक्ट्स के साथ और ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाए, मीन्स अगर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स इज इंपॉर्टेंट, जैसे इस केस में इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेट थ्योरी में जा रहे हैं ना, तो सेट थ्योरी में तो मैटर करेगा कि ए सेट कौन सा है, बी सेट कौन सा है। जैसे मान लीजिए इसमें आए 1 2 3 4 और इसमें आए 5 6 7 8 और इसमें आए 9 10 11 12, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर ए कह रहे हैं ये बी कह रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ए बोल दिया जाए और ये बी बोल दिया जाए, या ये ए बोल दिया जाए ये सी है जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो सॉरी ये बी बोल दिया जाए और ये ए बोल दिया जाए, या एनी वेज वी कैन शफल इट आउट, मीन्स यहाँ पे टोटल थ्री फैक्टोरियल वेज में इन ग्रुप्स की शफलिंग की जा सकती है। तो ये बन जाएगा हमारे पास एम फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल की पावर एम इंटू एम फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करने का मतलब कि इनको आपस में अरेंज कर दिया, ग्रुप्स को, ग्रुप्स की हमने ऑर्डरिंग को ध्यान में रख लिया, तो अगर इस प्रोसेस से चलें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर हमारे पास क्या बचेगा, एम एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल की पावर एम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो थ्री फैक्टोरियल से एक्चुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेट आंसर हमारे पास क्या आएगा, 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल का क्यूब। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ सोल्यूशन को, कि हमें 12 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उनको तीन ग्रुप्स में बांट रहे हैं ए बी सी, और ऑब्वियस है कि ग्रुप्स की ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सेट्स को नेम दे रखा है ना ए बी सी। तो हमने पहले क्या किया, 12 की अरेंजमेंट कर ली, दैट इज डन इन 12 फैक्टोरियल वेज, तो दिस इज डन, तो 12 फैक्टोरियल वेज आ गया। अब हमने ये कहा कि जब मैं तीन इससे बांटता हूँ, तीन पार्टीशन देता हूँ, तो ये चार के ऑर्डर हमें मान लिए मैटर नहीं करते क्योंकि ये तो ग्रुप के अंदर है, तो ग्रुप के अंदर तो कॉम्बिनेशन होता है, तो इनकी अरेंजमेंट्स मैटर नहीं करती थी। तो तीन बार पहले इसके 4 फैक्टोरियल से, फिर इसके 4 फैक्टोरियल से, फिर इसके 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो टोटल हो गया 4 फैक्टोरियल का क्यूब। अब अगर इनकी ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट ना होती, मींस कोई भी सेट कहीं पे भी आ सकता था, जैसे मैंने बताया था कि अगर 12 चीज़ों की तीन थैलियां बना दो, तो उन थैलियों के ऊपर कोई नंबर तो होता नहीं है, जैसे प्लास्टिक के लिफाफे बना दिए चार चार ऑब्जेक्ट्स के, तो उनको हमें पता तो होगा नहीं उनमें से पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो आप कोई भी एक जो मतलब उसमें बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो हमारे पास थ्री फैक्टोरियल से फर्दर डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज उसमें ये जो ऑर्डर है इन ग्रुप्स का वो मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा क्योंकि हमने ऑर्डर जो है इसलिए मैटर करवा रहे हैं कि वो सेट्स दिए हुए हैं, ग्रुप्स जो है यहाँ पे उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ए बी सी सेट्स हैं। अगर ए ये पहले वाला लिया है और बी दूसरे वाला लिया है, तो उल्टा भी हो सकता है कि पहले वाले को बी ले लिया जाए और दूसरे वाले को ए ले लिया जाए, एंड हेंस यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, एंड हेंस ये कैंसिल आउट होके आंसर नेट में कितना बचेगा, 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल का क्यूब, सो आंसर इज 1।